दोस्त का फोन, मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई लड़की बोल रही थी। ये क्या कर रही है? हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं घर वालों के साथ करने लगा हूँ प्रैंक। आपने मेरी वीडियो अंत तक देखनी है, बहुत मजा आएगा। तो आज मैं जो प्रैंक करने लगा हूँ ना, घर वालों के आज होश उड़ा देने हैं यार। आज इनको 1000 वोल्ट का झटका लगाएंगे, मजा आ जाएगा। घर वाले सारे गए हुए बाजार, मैं ऊपर आया हूँ। मैंने कहा यार आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और घर वालों के साथ बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रैंक करते हैं। मेरी वीडियो आपने अंत तक देखनी है, बहुत मजा आएगा। आज मेरी गर्लफ्रेंड घर आएगी और घर वालों के होश उड़ जाएंगे। तो जी, जिसको वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले जी, अब जाके ना नीचे मोबाइल को करते हैं सेट। फिर आपको पता है बाद में जब घर वाले आ गए ना, हमें मौका नहीं मिलना, तो हम जाके नीचे मोबाइल को करते हैं सेट। तो फिर घर वाले जब आएंगे, उससे पहले मोबाइल सेट हो गया होगा तो फिर प्रैंक स्टार्ट कर देंगे। हेलो, हाँ जी वाशाम, तुसी कदो आना घर? मैं 2 घंटे हो गए घर आए, तुसी बाजारों अजे तक आए नहीं। इन्नी देर लाती बाजार? हाँ जी, बस वो ना राइड करवा रही है, 20 से 25 मिनट तक ना आ रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। मैंने बहुत भूख लगी हुई, मैं मार्केट जल्दी आ गया सी, ते मेरे को चाबी ऐसी, मैं घर दरवाजा खोल लिया। मैंने पता सी तुहाडे को चाबी एक मेरे को ही गई है। ते ठीक है, बस हम लोग आ रहे हैं रास्ते में। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो जी, वो आ रहे ने। A few moments later. शादी के चक्कर से बंदा भुखा मर जाए? नहीं, आपको पता शादी है, शादी की शॉपिंग में टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे टाइम लग गया है। और आपको पता शादी कितनी खास है? वो तो ठीक है, लेकिन आपको चाहिए था आप जल्दी घर आ जाते। आप ये सोचते मेरे मियाँ घर आ गए होंगे, मैं इनके लिए खाना छाना जाके तैयार करना है। मेरी कोई फिक्र नहीं, आपको नहीं पता खाना मैंने रेडी कर दिया था। चलो फिर जल्दी जाके मेरे लिए खाना तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है, तो आपकी चीजें फिर हम बाद में देखेंगे। आप क्या लेके आई बाजार से? आपने रात को मुझसे 10,000 रुपया लिया था, याद करो। आपने मुझे कहा मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैंने सुबह शॉपिंग नहीं करनी थी। चलो पता चल जाएगा। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने 2 सूट लिए हैं इतने जबरदस्त, एक मैंने लिया है मेहंदी के लिए, एक मैंने लिया परात के लिए। ठीक है, अब मुझे और थोड़ी पैसे देने पड़ेंगे आपको? ये तो मुझे नहीं पता, बस एक सेट नहीं मिल रहा था, उसको मैचिंग करते। चलो आप और मैं चलेंगे फिर, मुझे टाइम लग गया। आप और मैं चलेंगे, ज्वेलरी वगैरह कुछ चीज ले आएंगे जाकर। चलें ठीक है, मैं देखती हूँ फिर कुछ आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। सही है, खाने में जो कुछ भी है आप मुझे दे दो। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने ना आलू कीमा बनाया था तो आप ले लो। चलिए ठीक है, किसका फोन आ रहा है? वो किसी दोस्त का लग रहा है मुझे। तो उठा लेना, आपको बार बार कॉल आई जा रही है। भूख लगी है, मैं कुछ खा पी के फिर बाहर जाके बात करूंगा। चलिए ठीक है भाई, जाके सुनूंगा। उठा ले, शायद कोई जरूरी बात किसी ने करनी होगी। नहीं नहीं, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। आ रहा है, बार बार आपका फोन आ रहा है। छोड़ दो बीमारी, गर्म हो रहा है। हेलो हेलो,
हेलो, मैं घर में बैठा हूँ, आप फोन मुझे क्यों करी जा रही? कौन है ये? बंद कर दो, मैं घर में बैठा हूँ। आपको पता है मैं घर में हूँ इसलिए फोन नहीं उठा रहा था। किसका फोन आ रहा है? कौन है ये? वो तो मुझे चले, मेरे पास आज टाइम नहीं था ना, इसलिए बस मैं थोड़ा मसरूफ था इसलिए नहीं फोन उठाया। इरफान, आप किससे बात कर रहे हैं? कौन है ये? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इरफान, आपको किसका फोन आ रहा था? मुझे वो किसी दोस्त का फोन आ रहा था। दोस्त का फोन? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लड़की बोल रही थी। उसकी आवाज ऐसी है जैसे वो लड़की, लड़कियों की जैसी आवाज लड़की है, लड़का है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा ही लगा जैसे कोई लड़की की आवाज है, और उसने बकायदा आपसे पूछा है कि आप मेरा फोन नहीं उठाते। देखा आपको, फिर से उसी नंबर से मुझे लग रहा है कॉल आ रही है, और बार बार आपको इसी नंबर से कॉल आ रही है। आप मुझे बताओ कि किसका फोन है ये? यार किसी का फोन नहीं है, बस वो बंदा मुझे तंग कर रहा है दूर से। तो इरफान, अगर आपको कोई तंग कर रहा था, सिंपल आप उसका ब्लॉक पे लगा दे नंबर। मैं अभी लगा देता हूँ, ब्लॉक पे लगाता हूँ। यार देखो, आपको कितनी कॉल आ रही है, बार बार आपको फोन आई जा रहा है। पता नहीं कौन पागल है जो आपको फोन करी जा रहा है बार बार। अभी मैं आई हूँ थकी हुई, इस फोन नहीं मिल रहा, और ये क्या है ये? अब आपका फोन आई जा रहा है, अभी ये डिस्टर्ब कर ही जाएगा, पता नहीं कौन है ये। कोई भी नहीं, मुझे कोई खाने पीने के लिए कुछ चीज दो। मैंने आपको कहा तो ऐसा गर्म हो रहा है, वो मैंने भेजा है उठी लेने साथ मेरे बच्चे को। देखा, फिर आपको फोन आ गया। मुझे दिखाए नजर है कौन? नहीं, किसी का नहीं। क्या फोन? मुझे दिखाए तो सही। आपने क्या करना है? मुझे दिखाए तो सही, है कौन? कोई भी नहीं है, फजूल। किसी रॉन्ग नंबर का होगा फोन नंबर, किसी रॉन्ग नंबर पे आ रहा होगा। ये रॉन्ग नंबर है। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? आप कौन हो? फोन कर रही हो, कौन हो? मैंने कहा था लड़की है। दे दो फोन। देखा, वो कह रही है इरफान। कौन से इरफान को फोन किया जरा बताना मुझे। देखा क्या बकवास कर रही है, कौन सा जाने जी का जरा बोलना। ओए, रॉन्ग नंबर पे किसी का फोन, मेरा नहीं, मुझे नहीं। रॉन्ग नंबर पे उसको इरफान का नाम ही आता था। नहीं, कौन है, कौन नहीं, रॉन्ग नंबर पे उस कौन हो, कौन? तो पहले मुझे ये तो बताओ, तुम बार बार फोन क्यों कर रही हो? वो कह रही है इरफान से पूछे, बताए अब आप। फोन बंद तुम हो कौन जरा मुझे पहले ये बताओ, तुम कहाँ से हो, कौन हो, क्यों फोन कर रही हो, तुमने नंबर कहाँ से लिया पहले मुझे ये बताओ। क्या मैं मलिक इरफान की वाइफ हूं? क्या है, तुम कौन हो पहले मुझे ये तो बताओ। वो कह रही है इरफान को फोन दे, मैंने आपसे नहीं बात करनी। हेलो, हाँ जी, आपने फोन नहीं करना था, आपको पता था मैं इस टाइम घर में होता हूँ, तो आपने फोन क्यों किया? मेरी बात सुनो, तुम जो भी हो ना, तुम मेरे घर आओ, मेरे घर आके बात करो। ना ही आप, नहीं, तुम्हें इतनी हिम्मत है ना, तुम कह रही हो तुम इरफान को जानती हो, मैं भी जरा तुम्हें देखूं तुम हो कौन। आओ जरा मेरे घर का, तो तुम्हें पता ही होगा ना, अगर तुम इरफान को तुमने फोन किया है ना, तो तुम जरा घर आओ, घर आके बात करो, फिर पता चलता है कि तुम कौन हो। घर का तो तुम्हें इरफान ने बताया ही होगा। आओ, हाँ आओ, आओ जरा आओ, आओ। आ रही है घर, आपकी जान पहचान में रिश्तेदार आपकी ना आ रही है, पता नहीं किस किस को नंबर दिया हुआ, और उसको मेरे सामने कह रहे हैं कि तुमने घर में फोन क्यों किया। इसका मतलब तो यही हो, आप उसको बड़े टाइम से जानते भी हो, और उसको मेरे घर का भी पता है। मैंने इसको कहा है घर आओ, और साथ ही कह रही है मैं आ रही हूँ। आने तो जरा, मैं भी देखती हूँ कौन है, किसको नंबर दिया हुआ है, क्या चक्कर क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है घर में, मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी मैं थकी बाजार से आई हूँ, और साथ ही ये काम शुरू हो गया। पता नहीं आप इसका मतलब पीछे से किस किस को कॉल करते होंगे। मैं किसी ने भी नहीं करता, फजूल नहीं, आप करते होंगे तो ये फोन आया। पहले भी मैंने कुछ दिनों से नोट किया आपको ये फोन आ रहा था, और आप उसकी कॉल रिसीव नहीं करते, वो यही थी, फिर यही थी वो। आन दो जरा इसको, जरा पूछती हूँ ना मैं, इसको कोई शर्म हो या है ही नहीं, इसको कोई तमीज ही नहीं है इसको।
आने दो जरा, एक शादीशुदा मर्दों के पीछे कैसे पड़ती है, आने दो जरा। नहीं नहीं कोई भी नहीं आ रहा। हाँ कोई भी नहीं है, आप तो मुझे ही कह रहे हैं कोई नहीं है। आने तो दो, आने तो दो उसको, आने तो जरा, मैं देख लेती हूँ कि आज कर क्या है। A few minutes later. कितनी देर का रखा हुआ तुमने इनके साथ? नहीं बताया इनको। बताओ ना कितनी देर का रब्ता है? 30 साल हो गए। वाह 30 साल, यानी कि शादी से पहले का। वाह क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें ये नहीं पता था कि इनकी शादी हो चुकी है, इनके 4 बच्चे हैं। अगले महीने हमारी भी शादी। क्या अगले महीने आप शादी कर रहे हैं इसके साथ? वाह क्या बात है, ग्रेट। मुझे पता ही कुछ नहीं है मेरे घर में क्या क्या हो रहा है मेरे पीछे से। मैं बाजार जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मुझे इसका मतलब है ये घर भी आती होगी। आप घर ना आती तो मैं भाई इनको पता भी नहीं चला था हमने शादी। हाँ पता भी नहीं चल रहा था शादी कर लेनी थी मैंने। वाह क्या बात है, मैंने कहा ना आपकी क्या बात है, क्या काम किया आपने, वेरी गुड। आपको बिल्कुल शर्म भी नहीं आई अपने बच्चों से, बिल्कुल किसी के बारे में आपने नहीं सोचा। जब मेरी आपके साथ शादी हुई थी ना, उससे पहले की मेरी दोस्ती है, हम इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त हमारी फ्रेंडशिप हुई थी तो फिर आपको उसी से शादी करनी चाहिए थी, मुझसे क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। लेकिन हम जो है ना वो बस हमारा प्यार चल रहा था, हमने शादी नहीं की। नहीं रह सकती थी तो फिर पहले शादी करती, पहले तुमने क्यों नहीं की? तुम मुझे ये बताओ कि इतने सालों को तुम्हारा रिलेशन चल रहा है, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता? पता था तो वो उन्होंने तुम्हारी शादी इनसे पहले क्यों नहीं करवाई? अब वो शादी करवा रहे हैं जब उनकी शादी हो चुकी है, उनके 4 बच्चे हो चुके हैं, अब उनको होश आया। इन्होंने वादे किए हैं घर वालों से मिले। अच्छा इन्होंने वादे किए हुए हैं, तुमने कहा शादी के बाद अपने वादे पूरे करवाती हूँ, है ना? चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। अब वो घर आ गई है ना, वो इंसान किसी के घर में चल के आ जाए ना, वो मेरे घर आई है, उसको इतना जलील नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप उसने साफ साफ बता दिया, मैंने भी बता दिया, मुझे 30 साल हो गए। वो शादीशुदा औरत के घर आई है, वो कुंवारी है, मैं शादीशुदा हूँ, और मेरी बात सुने, इसको शर्म ही नहीं आई जरा सी। कितनी जल्दी मैंने इसको कहा और ये बेझिझक आती आ गई है, ठीक है। और इसके घर वालों को भी पता है कि ये सब मिले हुए हैं, आप लोग ना सब मिले हुए थे, आपके मिली भगत थी। इसके अम्मी अबू को सबको पता है, भाई को भी पता है। आपके अम्मी अबू कैसे हैं? आपको बस जरा भी शर्म नहीं है ना? ये है आजकल की जनरेशन, देखो जरा सी आपके अम्मी अबू को शर्म हया नहीं आई। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी जो बेटी है वो किसी शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई है, हम उसको रोकें टोकें हैं, जरा सा उनको शर्म नहीं आई। उनकी तरबियत तो देखो जरा, उनकी तरबियत चेक करो जरा, ये तरबियत है आज। आप ये बात सोचो कि हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, कभी आज तक उन्होंने मुझे घर में जब मैं मौजूद होता हूँ कभी फोन आया आज तक? आप 25-30 साल तो हमें हो गया आपस में हमारी दोस्ती को, अब जाके पता चल गया तो कोई बात नहीं, अब माफ कर दो मैं, अब कुछ नहीं होता है मुझे, अब अगले महीने हमारी शादी है, हमें अब तंग ना करो। तो बस फिर सही है या ये रह गया मैडम ये की बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। आपने सपने सजाए हुए हैं, आपने सोच लिया है तो ठीक है, फिर मैं हलाल काम कर रहा हूँ, कोई हराम काम तो कर नहीं रहा, ये हलाल है। निकाह जब हो जाएगा तो मेरी बीवी बन जाएगी, आप ही मेरी बीवी हो, तो ये जायज है। आपकी बीवी थी, अब ये होगी,
ठीक है, तो अब आपके घर में यही रहेगी, मैं नहीं रहूंगी। आप मुझे फोन ना करती, घर में मेरे नहीं पता लगना था, हम बाहर किराए पे घर ले लेते, उधर रह जाते, किसी को पता भी नहीं चलना था। सबको पता चल जाता है, अल्लाह ताला की जात से कुछ छुपा नहीं रहता, अल्लाह सब देख रहा होता है। और ये जो आपकी बकवास है ना बेफजूल की, इसको ना बंद करें आप। अब जाओ, मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर तक। आपने नहीं जाना उसके पीछे, वो जाएगी अपने घर। इसके घर वालों से मैं जरा बात करती हूँ ना, तो इन्होंने की हरकत क्या की है ये? उनको नहीं पता था कि हमारी बेटी क्या कर रही है? जवान बेटी को सड़कों पे भेज दिया, जाओ जिसके मर्जी घर में, मुंह उठा के चले जाओ। उसको मेरे साथ मोहब्बत है, प्यार है, ये बात है। अच्छा, प्यार उसको ये भी पता था? तो मुझे नहीं था, मुझे नहीं है। आपकी शादी से पहले का प्यार है? अच्छा, तो फिर आपने उसके साथ शादी करनी थी ना? उसे पता है, उसे पता है, चार बच्चे हैं, बीवी भी है, लेकिन वो मुझे मिले बगैर नहीं रहती वो। अच्छा, वो मुझे नहीं ना मिलती तो उसको सुकून नहीं मिलता। फिर आप एक ही काम हो सकता है, फिर आप इसके साथ ना निकले मेरे घर से, यही हो सकता है। सोच लो, फिर मैं चला जाऊं? हां, निकले निकले, मिनट लगाए मिनट, निकले यहां से, और दोबारा कभी यहां का रुख नहीं करना। चलो फिर चलते हैं हम, ठीक है नैला? चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं। ये कौन है भला, पहचानो जरा कौन है? मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा था। कौन सा प्रैंक? इसको प्रैंक करते हैं, ये कोई प्रैंक है? तो प्रैंक। लड़की को घर में ले आए हैं और कह रहे हैं प्रैंक कर रहा हूँ। तो पहचानो ये कौन है? कौन है, लड़की है और कौन है? और फिर आ गई, आप कह रहे हो प्रैंक कर रहा हूँ। नहीं तो तुम्हें खुशी नहीं होगी कि मैं एक और ब्याह कर लांगा तो मेरी एक और बुढ़ी हो जाएगी, एक दो दो बुढ़िया हो जाएगी, तुम्हें खुशी नहीं होगी? शर्म तो नहीं आती आपको? हाँ बताए, अब कौन है? आप ये बताओ, आपको मेरा आज वाला प्रैंक अच्छा लगा? अच्छा प्रैंक किया ना ये वाला? ये प्रैंक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन है। झूठ ना बोले, बकवास ना करें, ये प्रैंक है। वो मेरे सामने जीती जाती लड़की बैठी हुई, प्रैंक है ये, बताएं ये प्रैंक है? मेरी फ्रेंड है ना, मैं तो उसके साथ भी बैठ सकता हूँ, जाके आराम से बैठे, तमीज करें थोड़ी। ये मेरी फ्रेंड है, उसके साथ बैठ नहीं सकता? मैंने आपको जब कह दिया ये मैंने आपके साथ प्रैंक कर रहा हूँ, तो फिर इसमें पीछे क्या रह गया? चलो जी दिखा दो, क्या बकवास कर रहे हैं? चलो देखो यार, देखो कौन है, देखो कौन है, देखो अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। मजा आया? प्रैंक हो गया, ये प्रैंक हो गया आपके साथ? हमजा तुम थे? इन्होंने बुलाया मुझे, आप जब बाजार गए थे ना, मैंने इनको फोन करके बुलाया, मैंने कहा हमजा मुझे आपकी है बड़ी अच्छा जरूरत है, आप घर आओ। हमजा कह रहा खैर है, क्या हो गया? आपने किया क्या ये मेरे साथ? उसने आवाज कैसे निकाली? तो आपके साथ प्रैंक जो करना था। चलिए जी गाइस, आपको हमारी आज की वीडियो ये वाली अच्छी लगी, हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल लाइक बटन को ऑन कर दे। मिलते हैं, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लेट्स गो।